गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो सुबह सुबह मैंने निकला, मैं अपनी कंपनी से बाहर, तो मैंने देखा रोड पे बहुत से घोड़े दौड़ रहे हैं। जब घोड़ा दौड़ रहा था, एक बगल से मेरे बगल से घोड़ा गुजरा, तो वो बड़ा फास्ट गुजरा। तो सुबह सुबह का टाइम था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा मैं भी अपना घोड़ा को दौड़ाऊँ, तो फिर मैं सोचा नहीं, अगर घोड़ा को दौड़ाता हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, सबको ड्यूटी जाना है, अगर थोड़ी सी घोड़ा मेरा उल्टा चला गया या सीधा घोड़ा किसी का आ गया, तो फिर मेरे घोड़ा को मुश्किल है, फिर पुलिस आएगा, फिर मेरे घोड़े का लंबाई चौड़ाई नापेगा, उसके बाद बोलेगा इतना का बिल पकड़ा देगा, मेरे को बोलेगा भर जल्दी। इसीलिए मैंने घोड़े को लाइन में धीरे 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 दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। कुछ दूर दौड़ाने के बाद मेरे को एक बंगाली भाई मिला। बंगाली भाई हेलमेट पहन के भाग रहा था, डिलीवरी बॉय था। एक लुलू मॉल का एक पूरे बस मिला जो सुबह सुबह ड्यूटी करने के लिए जा रहा था। मैं आ गया सिग्नल पे, सिग्नल पे आया तो मैंने देखा मेरा लाइन टाइम अभी तक नहीं जला है। मैं अपने लाइन टाइम को देख देख के इंतज़ार करता रह गया। फिर उसके बाद बहुत प्रयास के बाद मैंने अपना लाल बत्ती को कोशिश कर करके मैंने हरा बत्ती जलाया। हरा बत्ती जलाते ही फौरन मैं पहुंच गया जिस दुकान पे मेरे को आना था। उस दुकान के अंदर आया तो मैंने देखा कि बाहर से शीशा लॉक है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मंगरुआ को पूछा, अंदर गया, क्योंकि दुकान खुला रहता है, यहाँ सामान चोरी नहीं होता, सामान यहाँ कोई उठा नहीं सकता बिना पूछे, क्योंकि यहाँ CCTV कैमरा लगा रहता है। तो मैं अंदर आया तो मंगरुआ मिला, मंगरुआ को पूछा, भाई मंगरुआ कब दुकान खुली? बांग्लादेशी था वो, पूछा मैं कि भाई ये दुकान कब खुलेगा, तो बोला दुकान भैया अभी ना खुली, 10 बजे के बाद आओ आप तब खुलेगा। तो मैंने बोला मंगरुआ को ठीक है, मैं अंदर ही में बैठता हूँ, AC चल रहा है, हवा लगेगा थोड़ा, मैं गाड़ी में नहीं बैठूँगा, गाड़ी में बैठ बैठ के थक गया हूँ, सुबह सुबह गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मैंने धीरे 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 घूमना स्टार्ट किया, उसी में मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो में आप लोग देखिए। और सुबह सुबह मेरे को नज़र में आ गया चाय का केतली, तो मैंने को माइंड में सेट हो गया कि चाय मेरे को मिलेगा कहाँ। तो सुबह सुबह के टाइम में फिर मंगरुआ भाग गया था। तो कुछ देर के बाद मैंने वीडियो जब बना लिया, वीडियो बनाने के टाइम में मंगरुआ आया उधर से चाय लेके हाथ में। मैंने पूछा अरे चाय कहाँ से लेके आया, तो उन्होंने बोला कि अपना घोड़ा चालू करो, उसके बाद घोड़े में बैठो, दौड़ लगा के, रेस लगा के, एक शीशा का दुकान है वहाँ से घोड़ा को साइड करो, फिर उसके बाद चाय लेके आ जाओ, अंदर बैठ के खाते हैं। मंगरुआ को बोला कि तू पैसा ले जा के ले आ, मंगरुआ बोला मैं नहीं लाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए, ये सामान एक मॉल का है और इसमें एक डेकोरेशन घर के अंदर में आपको सजाने के लिए एक से एक यूनिक, एक से एक सोफ़ा, एक से एक आपको सोफ़ा का सेट, एक से एक आपको VIP पलंग, एक से एक यूनिक यूनिक सामान, एक से एक यूनिक घड़ी, एक से एक मतलब जो घर से घर में यूज करने लायक का जो भी सामान है इस मॉल में मिलेगा आपको। मैं देखिए आप लोग को दिखाता यूनिक सा घड़ी, ये घड़ी देखने में आप लोग को कैसा लग रहा, और जो भी ये एरिया है ये सब यूनिक एरिया है। तो गाइज मैंने पूछा मंगरुआ को, रे मंगरुआ ये सब सामान इतना महंगा क्यों है, कॉस्टली क्यों है? तो मंगरुआ ने बोला भाई ये चल गया तो चांद पे, नहीं चला तो ज़मीन पे। तो मैंने पूछा क्या बोला तू रे? तो उसने बताया भाई ये चांद पे जाएगा नहीं तो ज़मीन पे आएगा। बोले कहाँ का माल है? बोला सब है भैया, मेड इन चाइना, इसमें खूबसूरती है और ये खूबसूरती के कारण ही बिकता है। उसके बाद मैंने देखा तो मेरे को और अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद मैंने सोचा कि और थोड़ा वीडियो बनाऊँ। तो फिर मैं रिटर्न गया, रिटर्न जाने के बाद मैंने देखा कि हाथी, घोड़ा, बाज ये सब है। तो मैंने फिर सोचा कि सबसे अच्छा कौन है, तो मैंने धीरे 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 इधर बढ़ा, और बढ़ने के बाद मैंने देखा एक इतना खूबसूरत सा घड़ी, वॉच और मिरर, आईना, शीशा, इतना खूबसूरत खूबसूरत देखा यार, दिल आ गया। पर इंडिया नहीं था जो मैं ले सकता था इसको, और लेता भी तो कॉरियर करने में जितना में मैंने यहाँ लूँगा उतना में मैंने तो इंडिया में ख़रीद लूँगा। इसी कारण मैंने आया फिर घोड़े के पास, फिर आया मैंने
ये मोटा हाथी के पास हाथी का रेट देखा, फिर घोड़े का रेट देखा, फिर बाज था, बाज का भी रेट देखा। भाई तीनों का रेट देख के मेरा पिछवाड़ा गर्म हो गया। मैंने सोचा बस इसका फोटो लो, फोटो लेके साथ में रखो, उससे फ़ायदा नहीं है ख़रीद के। जब कभी दिल करे देखने का तो फ़ोटो ले लो, फ़ोटो में रखो और देखो। कभी वीडियो बना के रख लो और वीडियो जब दिल करे तो वीडियो देखो। तो मैंने पूरा सामान ढूंढने के बाद मेरा सामान मिल चुका था, मैंने वहाँ से निकल लिया। लेके निकलने के बाद मेरे को दिखाई दिया दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल। मैंने सोचा कि मैं इस पर चढ़ के एक फ़ोटो लूँ और इसके ऊपर जाके मैं अच्छा से वीडियो बनाऊँ। पर गाड़ी का पार्किंग नहीं था, इसलिए मैंने दोस्तों निकल लिया वहाँ से। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो इसका वीडियो बना के फुल आप लोग को।